बिग बॉस सीजन 15 OTT प्लेटफॉर्म जो वूट पर टेलीकास्ट किया जा रहा है। काफ़ी सारे बिग बॉस लवर्स जो बिग बॉस को देखते हैं, प्यार दिखाते हैं, उन्होंने नए नए मेंबरशिप्स भी लिए और काफ़ी ज़्यादा उसको वॉचिंग भी दे रहे हैं, प्यार भी दिखा रहे हैं, 2400 घंटे भी देख रहे हैं, एपिसोड्स आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और आने वाला सस्पेंस क्या क्रिएट हो सकेगा उसका भी इंतज़ार करने में लगे हुए हैं। बस कैसे भी हमें पता चल सके कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। बेसिकली सीन ये है कि 6 हफ्ते के लिए दिखाया जाना है। अब 6 हफ्ते में क्या क्या होगा ये तो हमें सब कुछ हमारे सामने ही होगा, देखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ होगा क्योंकि टाइम कम है, कंटेस्टेंट ज़्यादा हैं, धमाल बड़ा होगा, ट्विस्ट भी बड़ा होगा, और फिर उसके बाद से बिग बॉस सीज़न 15 की प्लानिंग्सें होंगी, क्या क्या तैयारियां होंगी, वो सब आपको मैं लगातार शेयर करता रहूँगा एटलीस्ट। मगर फैंस अभी ये सब जानने में लगे हुए हैं कि आखिरकार ये थ्योरी क्या है और क्या करना चाह रहे हैं, किस अकॉर्डिंग इसके स्क्रिप्ट होगी। मगर इन सब चीज़ों को देखते हुए वूट ने एक बड़ा सरप्राइज बॉक्स रखा है, और सरप्राइज बॉक्स क्या है ज़रा आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, बिग बॉस OTT 24 आवर्स लाइव, जहाँ से हम क्लिक करके 2400 घंटे देख सकते हैं, उसकी थंबनेल पे इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर है लाइव नाउ, नीचे बिग सरप्राइज कमिंग अप ऑन द 24/7 लाइव वॉच नाउ, यानी कि इन्होंने कंटेस्टेंट्स एक लड़की की स्केच बनाई हुई है, मतलब जो परछाई सी होती है उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क इन्होंने दिया हुआ है। साफ साफ इनका कहने का मतलब ये है, या तो एक कंटेस्टेंट होगी बाहर, या फिर एक नई कंटेस्टेंट, जानी मानी, एक पुराना चेहरा उसको लेके आया जाएगा। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट हो सकता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही हैं लोगों की कि आखिरकार क्या होने वाला है, इसलिए मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि या तो एक कंटेस्टेंट बाहर है, या फिर ज़्यादा चांस हैं एक पुरानी कंटेस्टेंट, यानी कि विनर कंटेस्टेंट भी हो सकती है, या फिर चहेती भी हो सकती है, वो हमें बिग बॉस 15 OTT में देखने को मिल जाएगी। कुल मिलाकर अभी सारा खेल इनका यहाँ तक रचता हुआ नज़र आ रहा है, जो मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट बता रहा हूँ। बाकी इसके आगे क्या होगा इसका इंतज़ार करिए, जितनी भी सारी अपडेट्स हैं वो लगातार मैं आपसे शेयर करने में लगा हुआ हूँ। सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, जितनी सारी अपडेट्स हैं, ताकि वो आपसे मिस ना हो सकें।